हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें ऐसी हैं, अब बहुत ज्यादा समझाने के अलावा वक्त नहीं है और ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो देने की जरूरत भी है बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कि जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके। अब आप लोग जो कुछ भी जितना वक्त हो सकता है उतना बहुत ही रिलैक्स होकर के उसको बस रिविजन करते चले जाइए, एक नजर देखते चले जाइए और अपने अंदर उसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने आप को मेडिटेट, जिसको कहते हैं मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड, कि उन सब्जेक्ट्स को आप अपने साथ कंसंट्रेट करके देखें कि हम अपने आप को पूरा का पूरा उस सब्जेक्ट के साथ कैसे मर्ज कर देते हैं। तो सब्जेक्ट को भी अपने अंदर मर्ज कर लीजिए, अपने आप को भी आप उस पूरे सिस्टम के साथ मर्ज करा दीजिए, जो कि एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अभी मैं ये चाह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब एडमिट कार्ड और फॉर्म आ जाता है तो होता यह है कि लोग बहुत ज्यादा सही ढंग से उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ मुश्किलात आ जाती है। कभी वक्त पर नहीं पहुंचना, कभी कोई सी चीज को फोटोग्राफ छोड़ करके चला जाना, कभी आई कार्ड छोड़ करके चला जाना, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको करना ये है कि अपने सारे जो एडमिट कार्ड के साथ जो भी इंस्ट्रक्शन है, 4 पेज के एडमिट कार्ड आपके पास आए, उनके ऊपर आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है और ध्यान देकर के पूरे ढंग से सही ढंग से पढ़ना है आपको, और पढ़ने के साथ आप उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको आपको 100% फॉलो करना है। जैसे कि आप अगर फर्स्ट पेज देखें तो इस फर्स्ट पेज के ऊपर एडमिट कार्ड के आपके दिया हुआ है डिक्लेरेशन करना है COVID-19 के बारे में, COVID-19 से रिलेटेड या कोई भी लास्ट 14 डेज में आपके साथ कोई डिजीज तो नहीं हुई, कुछ आप किसी के कॉन्टेक्ट में तो नहीं आए, तो इसमें आप देखेंगे एक जगह आपको देना है सी, जो है ABC जो दिया हुआ है उसमें Not been in close contact with a person suffering from COVID-19. तो इसे आपको टिक कर देना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये डिक्लेरेशन है कि हम किसी कॉन्टेक्ट में नहीं थे, मुझे कोई डिजीज हुई अभी तक। उसी के साथ साथ इसमें दिया हुआ किसी सिटी के अंदर आप गए या नहीं 15 डेज लास्ट में, तो मैं समझता हूँ कोई भी स्टूडेंट आप में ऐसा नहीं है जो कहीं गया होगा अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद से नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर भी दिया हुआ है फोटोग्राफ आपको लगाने हैं। कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के पहले आपको करना क्या है कि इसमें एक अपने फोटोग्राफ यहाँ लगा देने और थंब का इंप्रेशन डालना है, यहाँ पर थंब का इंप्रेशन ये बना करके लेके जाना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ एक कॉलम है जिसके ऊपर पेरेंट के सिग्नेचर होंगे और नीचे की तरफ आपको सिग्नेचर करना है, लेकिन आपको इन एग्जामिनेशन हॉल में इन विजिलेटर के सामने वो सिग्नेचर करना है, ऐसा नहीं कि पहले से आप सिग्नेचर करके भी जाए। दूसरे पेज पर अगर आप आएंगे दूसरे पेज पर देखो यहाँ पर फोटोग्राफ लगाने हैं, ये फोटोग्राफ इसमें दिया हुआ है 4 इंचेस बाय 6 इंचेस की फोटोग्राफ आपको लगा रहे हैं, ये वही फोटोग्राफ है जो कि आपको डाउनलोड आपने किया है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके बाद ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ, कैंडिडेट्स का सिग्नेचर है टू बी साइंड ऑन द डे एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, यहाँ नीचे का सिग्नेचर है उसे भी आपको इन्विजिलेटर के सामने करने है, यहाँ पर इन्विजिलेटर अपना साइन करेंगे। तो इन बातों का इंस्ट्रक्शन आपको देखना है और दूसरी बातें जो आपको है इसके अंदर ये मैंडेटरी है, इसको लेकर के जाना है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड फोटोग्राफ लगा हुआ, ये अगर ये फोटोग्राफ लगा हुआ ये सेकंड पेज अगर नहीं होगा तो फिर ये आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर लेफ्ट साइड में ये कहा है कि सिग्नेचर कैंडिडेट का होगा, राइट साइड में इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, इन्विजिलेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द राइट साइड, कैंडिडेट इज टू साइन द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड। इसके बाद से जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए पेज नंबर 3 के ऊपर, वहां आपको क्या देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम देख रहे हैं वो क्या है कि टाइम पर आपको इंस्टीट्यूशन पहुंचना है जहां और एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे आप लोग यहाँ क्या करते थे एग्जामिनेशन खत्म हो गया उठ के चले 1 घंटे के बाद, वो वहां आपको अलाउड नहीं है। वहां आपको जब तक एग्जामिनेशन चलते रहेंगे तब तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपनी सीट पर बैठना है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस कहीं भी एक दूसरे की तरफ देखना रिक्वायर्ड मतलब नहीं है और अलाउड नहीं है। अलाउड क्या, कहीं भी नहीं होता, हम भी नहीं, हम यहाँ पे नहीं होते, वहां नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि इंपॉर्टेंट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में आप जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं फोटोग्राफ लेकर के जाना है, और लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक रोज पहले आप पता लगा ले किस गली में, किस मोहल्ले में, किस सेक्टर में आपका स्कूल है, आपका सेंटर है। ऐसा ना हो कि आप मॉर्निंग में यहां से चले और मॉर्निंग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं, वो उस दिन चले कि हाँ मैंने देखा हुआ है रोहिणी में एक जगह पर है, रोहिणी किसी ने बता दिया, आप गूगल पे मैप पे देख लिया कि इस गली से जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, इस नंबर से पहुंच जाएंगे। नहीं, आप एक दिन पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है स्कूल देख ले ताकि आपको वहां पहुंचने में कोई भी दुश्वारी ना हो, इसलिए कि टाइम उस वक्त ऐसा होगा कि कहीं जाम होगा, किसी कहीं रेड लाइट जाम होगा, इसलिए कि इतनी भीड़ होगी चारों तरफ से लोग सेंटर पर पहुंचना चाहेंगे, तो बिल्कुल ही कोई रिस्क नहीं लेना है। यहां जैसे आप लोग टाइम पर लेट पहुंचाए कहीं की अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कहीं भी पढ़ते रहे तो जब वक्त हुआ तब चले गए, ऐसा नहीं करना।
आपको टाइम पर वक्त पर पहुंचना है। इसकी ट्रेनिंग हमने इसीलिए अपने यहाँ जब भी टेस्ट सीरीज हुए और जो भी एग्जामिनेशन हुए हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि साहब आप वक्त पर पहुंचे और वक्त पर टेस्ट पेपर दें। इसलिए वहां भी हुए ट्रेनिंग दी थी हमने इस काम के लिए और वो आपको वहां भी मिलेंगे। वक्त पर पहुंचेंगे आप, जगह जाकर के लोकेट कर ले, देख ले आप जाकर के कहां पर आपका कोई सेंटर है, ठीक है। इसके बाद से आप लोकेशन सेंटर देख लीजिए। कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू इंटर एग्जामिनेशन सेंटर, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, वैलिड आईडी प्रूफ नहीं होंगे, तो वो एंट्री उनकी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद से आपको प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी। फ्रिस्किंग का मतलब ये होता है कि वो मेटल डिटेक्टर से आपको टच नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे कि कोई ऐसी चीज तो आपके बॉडी के साथ नहीं लगी हुई है, तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे आप। और आईडी कार्ड जहां तक बात है, तो आईडी कार्ड में आपको पता है आई कार्ड में आप आधार रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, अपने स्कूल ट्वेल्थ बोर्ड का जो आपका एडमिट कार्ड या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो वैलिड है आपके आई कार्ड के फॉर्म में, तस्वीर लगी हुई होनी चाहिए, इस तरह के सारे इलेक्शन कार्ड हो गए, तो पासपोर्ट हो गया, ये सब आपको आईडी में यूज होगा और आईडी के साथ ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जा पाएंगे, ठीक है। आप अपने साथ क्या ले जा सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल ले जा सकते हैं आप, ठीक है। अपना हैंड सैनिटाइजर रखिए अपना, इसलिए कि जो मास्क है वो तो आपको सेंटर पर जो 95 है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अपने साथ एक सैनिटाइजर जरूर रखिएगा, लेकर जाइएगा। कोविड के जो इंस्ट्रक्शंस लास्ट पेज पर दिए हुए हैं इसका भी पूरा का पूरा ख्याल रखना है आपको, कि किसी तरह की कोई 6-6 फीट की जो डिस्टेंस होती है वो आपको रखना है। उसके बाद मास्क लगा के रखना है, सारे जो कोविड के अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रिकॉशंस लिए हैं वो सारे प्रिकॉशंस आपको इसके अंदर लेने हैं, तो इन यही सारी बातें हैं, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर कोई ऐसा है पर्सन है जो कि विथ डिसेबिलिटीज है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, पैर का हो हाथ का हो किसी तरह की डिसेबिलिटीज है, तो उसके सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेकर भी जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें, सिर्फ डिक्लेरेशन लेकर के आप जाए, सैनिटाइजर लेकर के जाए, फोटोग्राफ जो है वो जो अपलोड किया वो अलग से लेकर रख ले, सो दैट की वहां जरूरत पड़ती है तो वो काम हम करेंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, उसके साथ साथ आपको सारी चीजें पढ़ ले, खुद आप एक लाइन बाय लाइन अपने जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ ले। इन बातों का ख्याल रखें कि किसी तरह की आपकी कोताही या आपकी किसी भी तरह की ऐसी बात आपसे ना हो जाए, वो गलती ना हो जाए आपसे, जिससे कि इतने दिनों की जो मेहनत है वो थोड़ी सी गलती की वजह से खत्म हो जाए। इसीलिए मैं एक बार फिर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं इस बात के लिए कि आपने मेहनत की है और आपकी मेहनत जो है वो बेटर और पॉजिटिव रिजल्ट में हमारे सामने आएगी, इंशाल्लाह हम लोग इस बात की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको फिर एक बार बेस्ट विशेस कहूंगा, दुआएं दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आप जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट करें। बेहतर से रिजल्ट का मतलब कि आप मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह दाखिल हो जाएं इस बार, और फिर किसी तरह की कोई दुश्वारी आपको नहीं होगी, जिंदगी आपकी सेट हो जाएगी। हमारे लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है, सारे लोग आपके घर के रहे बेहतर और खुशी का एहसास होगा उन्हें। तो इतनी दिनों की मेहनत बहुत ही इत्मीनान के साथ आप जाए, बहुत ही जिसे कहते हैं काम और क्वाइट, और मान के चले कि आपका एडमिशन हो गया, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम